30 से 40 वर्ष के उम्र के बीच के औरतों के यौन आकांक्षाएं जवान लड़कियों की तुलना में ज्यादा होती है। मनोविज्ञान कहता है कि संभोग की ज्वाला से कोई नहीं बच सकता, यहां तक कि अगर औरत का पति ऐसे नहीं बुझाता है तो वह औरत गैर मर्दों के साथ संबंध बनाने लगती है। अगर कोई महिला आपको संभोग के लिए हाँ करती है तो इसका मतलब है कि वह आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है। जब महिला संभोग के दौरान झड़ने वाली होती है तो वह पुरुष को संभोग करने से रोकने की कोशिश करती है। जो महिला बहुत टाइट कपड़े पहनती है तो वह महिला बहुत ज्यादा कामुक और संभोगनुमा होती है। 50% महिलाएं संभोग के चरम सुख से असंतुष्ट होती है क्योंकि पुरुष बहुत जल्दी झड़ जाते हैं। एक पत्नी अपने पति का लिंग अपने पिछवाड़े में तभी दिलवाती है जब वह बहुत ज्यादा उत्तेजित होती है। मनोविज्ञान कहता है कि ज्यादातर पुरुषों को महिलाओं के हाथों से हस्तमैथुन करवाने में मजा आता है। यदि कोई पुरुष रात को किसी स्त्री को बिस्तर पर संतुष्ट नहीं कर पाता है तो वह स्त्री मजबूरन उत्तेजना के कारण गैर मर्दों के साथ संभोग करने लगती है। जब पुरुष किसी जवान महिला को देखते हैं जिसके स्तन का भी पड़े हो तो पुरुष उसे महिला के साथ संभोग करना चाहते हैं। जब पुरुषों का कोई महिला बहुत अच्छी लगती है और वह उसके साथ संभोग करने की इच्छा रखते हैं तो वह मन ही मन में संभोग करने के ख्याल बनाते रहते हैं। पहली बार संभोग करने के दौरान पुरुष से ज्यादा महिला घबराए भी होती है। पुरुषों को संभोग तभी करना चाहिए जब स्त्रियों की योनि में उत्तेजना के कारण गीलापन आ जाए, अन्यथा पुरुष का लिंग स्त्री की योनि में जाने पर कभी दर्द देता है। अगर किसी पुरुष का लिंग छोटा है और उसको संभोग करने में परेशानी हो रही है तो पुरुष कुर्सी पर बैठकर और महिला को अपने ऊपर बिठाकर संभोग करें। ऐसा करने से वह महिला को पूरी तरह संतुष्ट कर पाएगा। ज्यादातर महिलाओं को संभोग करने के लिए ऐसी जगह पसंद होती है जहां अंधेरा होता है क्योंकि महिलाएं उसे जगह कंफर्टेबल महसूस करती है। एक महिला हमेशा उसे पुरुष के साथ संभोग करना चाहती है जब पुरुष उसे महिला से प्यार की बातें करें और उसकी भावनाओं को समझें। अगर कोई महिला संभोग करने के लिए मना कर रही है तब उसे किशमिश खिलाना चाहिए। किशमिश में नया रोमांस करने की ताकत होती है। साइकोलॉजी के अनुसार महिलाओं की सांसद बनने लगती है जब कोई पुरुष कामवासना की नज़र से उसे देखा है। तो अनजान लोग अगर एक दूसरे की आंखों में लगातार देखें तो उनको एक दूसरे से प्रेम भी हो सकता है। साइकोलॉजी के अनुसार महिलाओं को संतुष्ट महसूस करने के लिए 8 से 15 मिनट का संभोग पर्याप्त होता है। साइकोलॉजी के अनुसार पहली बार संभोग करते समय महिला हमेशा संभोग करने के लिए मना करती है, लेकिन उसे उत्तेजित करने पर वह संभोग के लिए मान जाती है। 30 से 40 उम्र की महिलाओं के पति उनके साथ संभोग करते समय वह अपना लिंग उनके गुड़ा में डालना पसंद करते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार जब किसी महिला की योनि ढीली हो जाती है तो पुरुष उस महिला के पिछवाड़े में लिंग डालना शुरू कर देता है। युवा पुरुष अपने पड़ोस वाली महिला के साथ संबंध बनाने के लिए मन ही मन नए नए ख्याल बनाता रहता है। ज्यादातर पुरुष महिलाओं के अन्य अंगों के मुकाबले महिलाओं के स्तनों को चटना पसंद करते हैं। पुरुष महिलाओं के साथ ज्यादा संभोग करना चाहते हैं जो महिलाएं उन्हें अपने स्तन दिखाती हैं। साइकोलॉजी के अनुसार जब कोई पुरुष किसी महिला के साथ संभोग करने की कल्पना करता है तो वह उसे महिला के साथ नए नए तरीकों से संभोग करने के बारे में सोचता है। ज्यादातर पुरुष संभोग के दौरान जब काफी उत्तेजना में होते हैं तो वह संभोग करते समय महिला के स्तनों को काफी जोर जोर से दबाते हैं। महिला उन पुरुषों से हमेशा खुश रहती है जो पुरुष उसे महिला को संभोग के दौरान पूरी तरह संतुष्ट कर दें। पूर्ण संभोग के दौरान जब माया के मूड में होता है तो वह अपना लिंग महिला की नाभि में भी डाल देता है। एक सर्वे के अनुसार महिलाएं यह मानती है कि उनके पति उनके लिए सही जीवन साथी नहीं है। स्त्री और पुरुष के बीच सेक्स संबंधों में सबसे अहम भूमिका स्त्री के स्तन निभाते हैं क्योंकि स्तन पुरुषों को संतुष्टि देने में सहायक होते हैं, तो वही स्त्री को भी यह आत्मसुख देते हैं। अगर आप किसी महिला के साथ संभोग करना चाहते हैं तो आपको उसे महिला की तारीफ करनी होगी और उसकी भावनाओं को समझना होगा। जब कोई मर्द कैसे जानवर के साथ संभोग करता है तब उसे मर्द को पहले पीलिया नाम की बीमारी हो जाती है। जिस पुरुष के पास बहुत पैसा होता है उसकी स्त्री और संभोग की कभी कभी नहीं होती। जिस क्रिया में स्त्री और पुरुष एक दूसरे के सामने मुंह करके लेट जाते हैं और पुरुष स्त्री की योनि का और स्त्री पुरुष के लिंग का चुंबन करती है तो उसे मुखमैथुन को ककिल कहते हैं। उन पुरुषों को बहुत आनंद आता है जब पुरुष बिस्तर पर लेटा हो और महिला उसके ऊपर बैठकर संभोग कर रही हो। साइकोलॉजी के अनुसार जो पुरुष घमंडी होते हैं तो वह संभोग के दौरान महिला की योनि को चोट पहुंचा देते हैं। जिन पुरुषों लिंग छोटा होता है तो वह महिला को संतुष्ट करने के लिए संभोग के दौरान कांटे वाला कॉन्डोम इस्तेमाल करते हैं। जिस औरत के स्तन बड़े और ऊंचे होते हैं तो उसकी योनि पर सामान्य महिलाओं के मुकाबले बड़ी होती है। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार किसी महिला के साथ पहली बार संभोग करने से उसे दर्द और उत्साह दोनों का अनुभव प्राप्त होता है। किसी महिला के साथ संभोग करना प्राकृतिक क्रिया है और यह गलत नहीं है। उसे स्त्री की कामुकता बढ़ जाती है जब पुरुष उसकी योनि पर कुछ समय के लिए लिंग को सहलाता है। साइकोलॉजी के अनुसार जब कोई बड़े लिंग वाला पुरुष किसी महिला के साथ संभोग करता है तो महिला आनंद और कामुकता के चरम सीमा पर होती है। किसी औरत की योनि खोलकर चाटने से लिंग जल्दी उत्तेजित हो जाता है। मनोविज्ञान कहता है कि संभोग करने के दौरान लिंग डालने से पहले महिला की योनि से प्यार करना जरूरी होता है जिससे कि आपका पार्टनर उत्तेजित हो सके। संभोग के ज्यादा हवास इंसान को पूरी तरह से कम भी कर सकती है।
एक मर्द की खूबसूरती उसकी जेब से होती है। अगर उसे मर्द की जब नोटों से भरी हुई है तो समझ लेना कि वह औरतों के लिए सबसे खूबसूरत मर्द है। जो महिलाएं स्वभाव से नाजुक और गोरी होती है तो उन महिलाओं को संभोग क्रिया बहुत अधिक पसंद होती है और उन्हें देर तक संभोग करना अच्छा लगता है। बहुत से पुरुष भी स्त्री के साथ मुखमैथुन करते हैं, मतलब पुरुष स्त्री की योनि का चुंबन लेते हैं। संभोग करने से स्त्री के हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं, जिससे उन्हें पीरियड्स के समय संबंधित समस्याओं से निजात मिलता है। मनोविज्ञान के अनुसार आप जितना अधिक संभोग करेंगे आपके जीने की संभावना उतनी ही अधिक बढ़ जाएगी। एक औरत की योनि में इतनी ताकत होती है कि वह बड़े से बड़े योद्धा को भी झुकने पर मजबूर कर देती है। संभोग के समय जब कोई महिला पूरी तरह से नग्न होती है तो वह अपने कमोटेजना के चरम सीमा पर होती है। साइकोलॉजी रहती है कि यदि कोई औरत संभोग करते समय कांपने लगे तो इसका मतलब है कि वह काम उत्तेजना के उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है। यौन संबंध हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है, इसके बिना इंसान के उदास होने के चांस बढ़ जाते हैं। जो स्त्री संभोग करने के ज्यादा सोच रखती है तो उसका चरित्र भी वैसा ही हो जाता है। बिना कपड़ों के सोने से नींद भी जल्दी आती है और तनाव कम हो जाता है। मनोविज्ञान कहता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं संभोग के लिए ज्यादा तरसती हैं। प्रत्येक लड़के की जिंदगी में एक लड़का ऐसा होता है जैसे वह कभी नहीं भूलती।